आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा आर्ट है या फिर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कब ढूंढेंगे? जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इट मींस वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वांट टू फाइंड ए सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्विंग के डिफरेंट मीनिंग में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। साइकोलॉजी में प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट ऑफ डिज़ायर जिसमें कि हम डिफिनाइट गोल पे पहुंचना चाहते हैं एक प्रेजेंट कंडीशन से, भले ही वो गोल की तरफ जाती हो या ना जाती हो। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल को अचीव करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाने पड़ते हैं ताकि एक मिसिंग डिस्क्रिप्शन मिल सके, ताकि गोल के लिए स्टेप्स या फिर कंडीशंस हमें प्राप्त हो सके। कंप्यूटर साइंस में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्ट्स में जो कि डील करता है एल्गोरिथम के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत सारे टेक्निक्स का कलेक्शन होता है, जैसे कि एल्गोरिथम, ह्यूरिस्टिक्स, रूट कॉज एनालिसिस एटसेट्रा। आइडियली प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने से हमें मिलेगा सॉल्यूशन। लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें उस प्रॉब्लम को रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कुछ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन करना पड़ता है। इसके बाद हमें उस प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन को कंप्यूट करना पड़ता है जिससे हमें आउटपुट मिलता है। साथ में उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो जो भी ये सॉल्यूशन होता है उसमें आउटपुट का भी कुछ फॉर्म मिला हुआ होता है। जो प्रॉब्लम का जो एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है या सॉल्यूशन जो इंटरप्रेट किया जाता है वो कहलाता है इनफॉर्मल, और प्रॉब्लम का रिप्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम का आउटपुट कहलाता है फॉर्मल। फॉर्मुलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम के फॉर्मुलेशन के लिए हमें क्या क्या करना होता है? मान लीजिए हमें कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दी गई है। इस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हमें फॉर्मुलेट करके एब्स्ट्रैक्शन करना होता है। इसके बाद हमें उसे सॉल्व करना होता है। उसे सॉल्व करने के बाद हमें उसके सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करना पड़ता है। लास्ट में हमें उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम को एक बार फिर से देखते हैं। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हमें दी गई है। उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद हम उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसे इंटरप्रेट करेंगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करेंगे। सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करने के बाद सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन। पूल एंड मैकवर्ट 2010 के अकॉर्डिंग हम एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पाए। वो प्रॉब्लम से जितना ज़्यादा क्लोज हो सके उतना ज़्यादा पॉसिबल हो। साथ में जो हमारा प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन हो वो कॉम्पैक्ट, नेचुरल और मेंटेनेबल होना चाहिए। साथ में जो हमारा प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें हम अमेंडेबल कर सकें एफिशिएंट कंप्यूटेशन। जो हमारा प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन हो वो इस चीज़ के लिए एबल होना चाहिए कि एक्सप्रेस कर सके फीचर्स ऑफ द प्रॉब्लम जो कि एक्सप्लॉइटेड होने चाहिए कंप्यूटेशनल गेन के लिए। जो हमारा प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन हो वो कर सके ट्रेड ऑफ एक्यूरेसी और कंप्यूटेशन टाइम एंड स्पेस, यानी कि जो एक्यूरेसी हो और कंप्यूटेशन टाइम हो दोनों जितना हो सके उतना कम हो, कंप्यूटेशन जितना हो सके उतना ज़्यादा फास्ट हो, और जो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्वायर्ड किया जा सके पीपल, डेटा और पास्ट एक्सपीरियंस से, यानी कि पास्ट का एक्सपीरियंस रिलेटेड हमारे पास कोई डेटा है वो भी हम अपने प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकें। पीपल से रिलेटेड पीपल से हम जो भी इंक्वायरी करेंगे या फिर जो भी इंटरव्यूज़ के द्वारा जो डेटा हासिल करेंगे वो भी हम अपने प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकें। डाटा चाहे वो किसी भी तरह का डेटा हो, वेदर इट इज़ क्लीन डेटा और नॉन क्लीन डेटा, हम उसे अपने प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकें।
मॉडलिंग, हमें प्रॉब्लम को मॉडल करना होगा एक मॉडलिंग लैंग्वेज में, और हमें एक नोशन ऑफ सॉल्यूशन, एक नोटेशन बनाना होगा ताकि हम प्रॉब्लम का रिडक्शन या फिर सिंप्लीफिकेशन कर सकें। इसके लिए हम मैथमेटिक्स टूल बॉक्स जैसे कि लॉजिक, पॉलीनोमियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हमको इसलिए करना है ताकि हम मॉडल को इफ़िशेंटली बना सकें, जिससे वो बेटर ढंग से एग्जीक्यूट हो सके बाय अ कंप्यूटर। जो भी मॉडलिंग लैंग्वेज या मॉडलिंग पैराडिगम होगा उसमें एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटेशनल एल्गोरिथम्स एसोसिएटेड होंगे। सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि सेटिस्फाइड होगा या फिर उसमें कुछ सेट ऑफ कंडीशंस अचीव्ड होंगे। जो भी आपका सॉल्यूशन है या तो यूनिक हो सकता है या फिर एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन ऐसे हो सकते हैं जो अदर सॉल्यूशन से बेटर होंगे, उन्हें ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी कि एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है मल्टीपल हो सकता है। कई बार एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना हार्ड भी होता है, तो इस केस में हम अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन को कहा जाता है नियर टू एग्जैक्ट। यदि हमको सॉल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है विद टाइम, तो हमें उसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स को एग्जीक्यूट करना है। हमें इस चीज़ को ज़रूर कंपेयर करना है कि किस एल्गोरिथम से हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बेटर होता जा रहा है। इसके लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं, टाइम, एक्यूरेसी, कंप्यूटेशन टाइम एक्सेट्रा। सिंपल एग्जांपल में हम ये देख सकते हैं, जैसे कि सेंड प्लस मोर इक्वल मनी। यहाँ पर मैथमेटिकल पजल जैसे कि क्रिप्टो अर्थमेटिक, मैजिक स्क्वायर्स, ये सभी एक सिंपल एग्जांपल्स हैं। एक प्रॉब्लम दी गई थी ए ड्यूरर मेलगन के द्वारा 1514 में। लॉजिकल पजल्स में बूलियन फार्मूलाज, एन क्वींस, सुडोकू, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुडोकू में हमें कुछ रैंडम नंबर्स भरने होते हैं जो कि वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेम ना हो। ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है। इसके अलावा चेस प्लेइंग में डिफरेंट मूव्स होते हैं जिसके बेसिस पे विन या लॉस डिसाइड होता है। जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ है, वैसे वैसे एक कंप्यूटर भी चेस खेलने में माहिर हो गया है। आज के समय में एक कंप्यूटर बड़े से बड़े चेस प्लेयर को आसानी से हरा सकता है। सिंपल प्रॉब्लम का यदि हम एग्जांपल देखें, तो मान लीजिए हम ले रहे हैं कोई मैजिक स्क्वायर जो है 10x10। इसमें जो नेटिव सर्च स्पेस होगा हो सकता है वो 100 की पावर 100 या 10 की पावर 200 हो सकता है, बेटर विथ परम्यूटेशन। 100 not 100 factorial equal 10 की पावर 150। यदि हम 400x400 का मैजिक स्क्वायर लें तो उसमें जो सर्च स्पेस होगा वो होगा 160,000 factorial equal 10 की पावर 76,3175। अब हम मेथड देख सकते हैं जिससे हम सॉल्व कर सकें 400x400 1 आवर CPU टाइम से भी कम समय में। इन सारे प्रैक्टिकल टर्म्स को हम फर्दर या नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। सिंपल शेड्यूलिंग का आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये जो है ये एक होम के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे इरेक्टिंग वॉल्स के लिए सेवन ड्यूरेशन दिया गया है। यहाँ पर ये 7 आवर्स में हो सकता है। प्रिडेशन मतलब ये कहा गया है कि क्या इस प्रोसेस के पहले किसी प्रोसेस या टास्क को करना है, तो इरेक्टिंग वॉल्स के पहले कोई भी प्रिडेसर नहीं है। नेक्स्ट है आपका कारपेंट्री फॉर रूफ।
इसकी ड्यूरेशन 3 रखी गई है। ऑल ड्यूरेशन आवर्स इन और जितने भी यहाँ पर ड्यूरेशन मेंशन किए जा रहे हैं वो आवर्स में है। कारपेंट्री फॉर रूफ के लिए 3 इसके प्रीडेसर है ए, यानी कि कारपेंट्री फॉर रूफ के पहले हमें इरेक्टिंग वॉल्स वाले टास्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका टास्क है रूफ, रूफ का ड्यूरेशन है 1, इसका प्रीडेसर है बी, यानी कि रूफ के पहले आपको कारपेंट्री फॉर रूफ वाला टास्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका टास्क है इंस्टॉलेशन, इसके लिए 8 दिया गया है ड्यूरेशन, जिसका प्रीडेसर है ए, यानी कि इस इंस्टॉलेशन के पहले आपको इरेक्टिंग वॉल्स वाला टास्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका टास्क है फैकेट पेंटिंग, इसका ड्यूरेशन दिया गया है 2, इसका प्रीडेसर दिया गया है सी डी, यानी कि फैकेट पेंटिंग से पहले आपको रूफ और इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो आपका टास्क दिया गया है वो है विंडोज, यानी कि विंडोज अटैचमेंट या फिर विंडोज फिक्सिंग, इसके लिए जो ड्यूरेशन दिया गया है वो दिया गया है 1 और इसका प्रीडेसर है सी कॉमा डी, यानी कि विंडोज वाले टास्क के पहले आपको रूफ और इंस्टॉलेशन के काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट दिया गया है गार्डन, यानी कि गार्डन का मैनेजमेंट करना है, मींस गार्डन बनाना है या फिर उसका रखरखाव करना है। तो गार्डन के लिए जो ड्यूरेशन दिया गया है वो दिया गया है 1, उसके पहले प्रीडेसर है सी और डी, तो गार्डन के पहले आपको कंप्लीट करना है रूफ का टास्क और इंस्टॉलेशन का टास्क। नेक्स्ट आपका टास्क है सीलिंग्स, सीलिंग्स का फिक्सिंग यदि करना है तो उसके लिए ड्यूरेशन दिया गया है 3, उसका प्रीडेसर है ए, यानी कि सीलिंग्स से पहले हमको टास्क टू कंप्लीट करना है वो है इरेक्टिंग वॉल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है वो है पेंटिंग, इसके लिए ड्यूरेशन दिया गया है 2 और इसके प्रीडेसर हैं एफ और एच, तो पेंटिंग के पहले विंडोज़ और सीलिंग्स वाले टास्क को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका टास्क है मूविंग इन, इसका ड्यूरेशन दिया गया है 1 और इसका प्रीडेसर है आई, यानी कि मूविंग इन से पहले पेंटिंग को कंप्लीट करना है। यानी कि यहाँ पर जो आपके सिंपल शेड्यूलिंग दी गई है वो एक घर को छोड़कर नए घर में मूव करने के लिए पहले हमें क्या क्या चीज़ें किस किस सीक्वेंस में पूरी करनी है और लास्ट में हमें क्या करना है, एंड में क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है, मिडिल में क्या करना है, ये सारी चीज़ों की एक शेड्यूलिंग की गई है। ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप है।